देखो तो जिंदा तो जिंदा ठीक हो रहा है, मरे भी ठीक हो रहा है। कितना उल्टा जमाना। और कैसी भी नकारात्मक ऊर्जा जो तांत्रिकों के चक्करों में लाखों लोग करोड़ों रुपया बर्बाद कर देते थे, तरह तरह की पूजा करवाते थे, तरह तरह के उपाय करते थे। धन्य है कलयुग में बागेश्वर हनुमान जी ऐसे प्रकट भए, कोई पूजा नहीं, कोई अनुष्ठान नहीं, केवल मंत्र का जाप और केवल पेशी और दरबार में बैठने भर से ही बड़े बड़े भूतों को टांग दिया जाता है। कितनी अद्भुत बात, न मुर्गा लगने न बकरा। नहीं तो आजकल भूतों में भी बड़ी, तांत्रिकों की भी बड़ी गजब की कहानी है। वो तुम्हें देखते ही भूत लगते ही कह देते टेंशन मत लो, बकरा लगेगा ठीक हो जाओगे। अब तुम्हारे भूत उतरे ना उतरे, उनको सो दूध ना खा के उनके सो उतर जाते हैं। और कितनी अद्भुत बात, बाकी और जगह जगह तांत्रिक बैठे थे, जगह जगह आस्था से खिलवाड़ किया जा रहा था, जगह जगह तमाशा बनाया जा रहा था, धर्म को धंधा बना करके पैसे लूटे जाते थे। धन्य है कलयुग में श्री बागेश्वर हनुमान जी महाराज ऐसे प्रकट भए। कलयुग में 322 साल पहले सन्यासी बाबा के तपोबल के प्रभाव से जहां न दरबार में दक्षिणा लगती, न बैठने में दक्षिणा, न अर्जी में दक्षिणा, न रुकने की दक्षिणा, भंडारा भी फ्री में, अब हनुमान जी के प्राण तो चाहते नहीं हो। कितने दयालु, कितने लाखों गरीबों का कल्याण कर रहे। उतना ही नहीं, भारत का पहला ऐसा दरबार बागेश्वर हनुमान जी का दरबार, जहां पर सब कुछ निःशुल्क तो है ही है, दान पेटियों में आने वाली चढ़ोतरी से मंदिरों का निर्माण नहीं किया जाता, अपितु दान पेटियों में आने वाले रुपयों से भी हर साल महाशिवरात्रि को गरीब बेटियों का विवाह करवाया जाता। और इस साल पांचवा वर्ष है, कौन सा वर्ष है, पांचवा, और पंचम वर्ष में आहा हनुमान जी की कृपा से 151 बेटियों का विवाह है, और खूब बढ़िया गुरुदेव भगवान की कृपा से सभी बेटियों को एक एक बढ़िया मोटरसाइकिल और पूरा दहेज दिया जाना है। और उन बेटियों के भाग्य कहो, जिनकी बेटियों की जिनकी शादियों में लाखों लोग आएंगे घराती और बराती बनकर, और इतना बड़ा भंडारा होगा और हजारों संत आएंगे। घर पे एक शादी होती है, कितने करोड़पति आदमी हो, कितनी बड़ी शादी कर ले, पर इतने संत उसके बाप में दम नहीं है कि वो बुला पाए।